भाषा की उत्पत्ति संबंधी चर्चा हम कर रहे थे और हमने कई सिद्धांतों की बात की। आज हम बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में संगीत सिद्धांत। संगीत सिद्धांत, इसको प्रेम सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन, स्पेंसर और यस पर्सन अंशतः इस सिद्धांत को मानते हैं। ये तीन आदमी हैं मुख्य रूप से, डार्विन, स्पेंसर और यस पर्सन। सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। संगीत से, वो कहते हैं कि सब पहले मानव सभ्यता के प्रचलन में आने के बाद पहले संगीत आया, संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। उनका कहना है कि आदि मानव जो था वह भावुक एवं संगत प्रिय रहा होगा। आदि मानव शुरुआत का जो मनुष्य था वो इमोशनल या भावुक रहा होगा और संगीत प्रिय रहा होगा, कल्पना है। और जब भी उसको अपने शिकार करने या अपनी आजीविका या भोजन करने के उपरांत, उसके उस समय दो ही काम थे बस, शिकार करना, शिकार मारना और खाना। उसके उपरांत उसके पास बहुत सारा खाली समय रहता था, आज के जीवन की तरह आपाधापी नहीं थी। उस खाली समय में वह कुछ गुनगुनाता रहा होगा। जिस प्रकार मानव का स्वभाव है कि जब भी वह खाली होता है या अकेला होता है तो या कुछ ना कुछ गुनगुनाता है, उसकी गुनगुनाने की निरर्थक ध्वनियाँ, शुरुआत में जब वह गुनगुनाता था तो सारहीन या निरर्थक गुनगुनाहट रही होगी और वही निरर्थक ध्वनियाँ धीरे धीरे वस्तुओं से संबंधित हो गई। जो वस्तुएं उसके दैनिक जीवन के काम में थी उन वस्तुओं के साथ वो संबंधित हो गई और वे सार्थक हो गई, और सार्थक होते ही भाषा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार धीरे धीरे शब्दों का निर्माण हुआ और भाषा बन गई। ये इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है। अब इस सिद्धांत की समीक्षा करें तो पहली बात उठती है कि गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ति का होना केवल अनुमान पर आधारित है। ये केवल एक कपोल कल्पना है कि गुनगुनाने से या गुनगुनाहट से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। इसका कोई प्रमाण नहीं है कहीं भी, इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रारंभिक व्यक्ति गुनगुनाता था, इसका भी कोई पुष्ट प्रमाण या आधार नहीं है, क्योंकि जब उसके पास वाणी ही नहीं थी तो वो गुनगुनाता होगा, क्या गुनगुनाता होगा। उसके पास कोई लय नहीं थी, संगीत नहीं थी, नहीं था धुन नहीं थी, अतः ये सिद्धांत अस्वीकार कर दिया गया। अगला सिद्धांत है प्रतीक सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी। प्रतीक सिद्धांत इसको कहा गया, सिंबॉलिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संयोग से या अन्य किसी सामान्य संबंध से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है, संयोग होता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। प्रोफेसर स्वीट ने प्रारंभिक भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या अधिक मानी है कि संयोग से कुछ शब्दों का निर्माण हुआ होगा, अकस्मात हुआ होगा। प्रकृति में बहुत सारे संयोग होते हैं और संयोग ही ऐसा हुआ होगा कि किसी शब्द का किसी अर्थ से और किसी वस्तु से संबंध जुड़ गया और वह उसका प्रतीक हो गया। समीक्षा, इस सिद्धांत की समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। ये सिद्धांत जो है भाषा के प्रारंभिक शब्दों की तो व्याख्या करता है। भाषा में नर्सरी शब्द आए इसमें कोई संदेह नहीं, शुरुआत में आए होंगे। ये सिद्धांत स्थूल अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है, लेकिन सूक्ष्म अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह बताने में ये सिद्धांत असमर्थ है। कि भाई ठीक है, मोटी मोटी जो शब्द हैं जिनके मोटे अर्थ निकलते हैं वो तो बता दिया होगा, ये उत्पन्न हो गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे गहनतम और गूढ़ अर्थ वाले शब्द हैं भाषा में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताने में भी ये सिद्धांत असमर्थ है, इसलिए ये भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अगला सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक एवं प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं। हेनरी स्वीट, उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया अपनी ओर से, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी अब तक के सिद्धांत हैं उन्हीं सभी सिद्धांतों का अगर समन्वय कर दिया जाए तो सारी बातें थोड़ी 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 लागू हो सकती हैं। उनका कहना है कि यदि उपयुक्त सिद्धांतों में से आवश्यक सिद्धांतों को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या बहुत कुछ हद तक हल हो जाएगी, पूर्ण हल नहीं होगी, बहुत कुछ हद तक, कि थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी बातें सभी सिद्धांतों की ले ली जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी जो बात है वह या उसका हल निकल सकता है। स्वीट ने प्रारंभिक शब्दों को तीन वर्गों में बांटा, अनुकरणात्मक शब्द,
कुछ शब्द अनुकरण के आधार पर बने होंगे, जैसे मैं आऊं जाऊं, इस तरह मनोभावाभिव्यंजक भाषा के, यानी मनोभाव मनो मन के भावों के अनुसार कुछ शब्द निकले होंगे, उत्पत्ति हुई होगी। जैसे ओह आह दर्द हुआ होगा तो आह, अरे ओ पुकारा होगा तो इस प्रकार से। और कुछ प्रतीकात्मक शब्द जैसे उपयुक्त, नर्सरी आदि। इस सिद्धांत की समीक्षा अगर की जाए तो भाषा की उत्पत्ति समझने के लिए अन्य कोई एकमत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया, और असमन्वय सिद्धांत जो था वह निर्विरोध रूप से स्वीकार किया गया कि कोई भी एक सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ सही है। और एक अंतिम सिद्धांत था प्रतिभा सिद्धांत, इसके संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। वाक्य पद्य में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया। वो कहते हैं कि प्रतिभाशाली लोग हर युग में हर समय हुए हैं, और उन्हीं प्रतिभाशाली लोगों के द्वारा संसार में नई नई चीज़ों की उत्पत्ति और खोज हुई है। तो भर्तृहरि का कहना है कि प्रतिभाशाली लोगों ने ही भाषा की उत्पत्ति की होगी। इस प्रकार गैर सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के विषय में दिए गए हैं, परंतु संपर्क सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों को छोड़कर, यानी प्रतीक सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सिद्धांत पूर्णतः और कुछ अंश अस्वीकृत कर दिए गए, उनमें कोई भी ऐसी काम की चीज़ नहीं है जो उसको माना जाए। 11 सिद्धांतों को मिला देने पर भी भाषा के 1 या 2% शब्दों की समस्या का समाधान हो पाता है, ज़्यादा का नहीं होता। 100% भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है तो कोई नहीं बता सकता। 1% भाषा के शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांतों से ज्ञात होता है, 99% शब्द जो हैं वो अछूते ही रहते हैं। सभी सिद्धांतों के द्वारा स्थूल अर्थ के बोध कतिपय शब्दों की व्याख्या तो हो जाती है, लेकिन अधिकांश शब्दों के लिए कोई उत्तर नहीं मिलता कि सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने वाले गूढ़ अर्थ वाले शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। सूक्ष्म अर्थों की व्यक्ति के लिए कोई भी शब्द इन सिद्धांतों के द्वारा नहीं बन पाते। अतः कह सकते हैं कि सभी सिद्धांतों में कुछ मौलिक न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां हैं, और भाषा संबंधी, भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, ये प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों ज्वलंत खड़ा है। प्रकृति में या संसार में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अनुत्तरित होते हैं, वैसा ही अनुत्तरित प्रश्न आज भी ये है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, और शब्दों का अर्थ के साथ संबंध स्थापित कैसे किया गया, ये एक पहेली है जिसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। शोध जारी है, और भी बातें आगे आगे होती रहेंगी, लेकिन भाषा की उत्पत्ति संबंधी ये प्रश्न जो है ये शेष प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों है। धन्यवाद।